इस तरह के ग्रीन स्क्रीन क्लिप बनाने कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। VN वीडियो एडिटिंग ऐप चालू करना पड़ेगा। प्लस आइकन को क्लिक करके प्रोजेक्ट को क्लिक करके अपना प्रोजेक्ट चालू करिए। मैं ग्रीन स्क्रीन क्लिप बनाने का है इसलिए हम बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन लेंगे। हमें इस ब्लैक स्क्रीन की कुछ जरूरत नहीं है इसलिए इसे डिलीट कर देंगे। हमें जितना लंबा क्लिप बनाना है उतना उस स्लाइड का टाइमिंग एडजस्ट कर लेंगे। जो हमें टाइमिंग चाहिए 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, वो हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब हम हमारे ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, स्टिकर ऐड करेंगे, हार्ट का एक शेप ऐड करेंगे। हमारे फोन में पड़े सब स्टिकर्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन उसे हमें पहले इस VN ऐप में माय स्टिकर फोल्डर में इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं देख लीजिए, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद फोटो पे क्लिक करिए और जो भी तुम्हारे सिस्टम में पड़े हैं सब यहाँ दिखेंगे। एक एक करके इसमें तुम्हारे फोल्डर में ऐड कर लीजिए। यह हार्ट शेप ऐड करने के बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर कैसे चेंज करते हैं देख लीजिए। कलर चेंज करने के लिए हमें फिल्टर बटन को क्लिक करना पड़ेगा। एडजस्ट बटन को क्लिक करके हम मैन्युअली सब कलर चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट सब इसमें एडजस्ट करेंगे। यह बटन कलर चेंज करने का है, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें जो कलर चाहिए वो रख सकते हो। अलग अलग यहाँ पर बटन्स है, तुम यूज करो। शार्पिंग का है, टेम्परेचर है, एक्सपोजर का है, सब बटन है। एक एक तुम करके देखो क्या चेंजेस होते हैं क्या नहीं, वो हिसाब से तुम इसका यूज करो। मैन्युअली हम हर बटन यूज करके उसका फंक्शन क्या काम करता है उस ये हमें सीखना चाहिए अच्छी तरह से। ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन ये सब हमें मालूम होना चाहिए किस लिए यूज करते हैं। उस हिसाब से इसका पूरा यूज करके आप सीख सकते हैं। हर एक बटन का तुम यूज करके देखो इसका क्या परिणाम हो रहा है क्या नहीं है करके यूज करो। अब हमारा ये पूरा कलर एकदम अच्छा हो गया और सेटिंग हो गया। अब हमें इसे एनिमेशन देंगे। यहाँ पर एनिमेशन के इफेक्ट्स है, तुम एक एक देखो कौन सा देने का है क्या नहीं चेक करो।
इसको हार्ट बीट और धक धक करे जैसा लगना है, इसलिए मैं पहले ये हेड का एक दूंगा, बाद में हार्ट बीट जैसा लगना ये हिसाब से एनिमेशन देंगे। लुक एनिमेशन में हार्ट बीट का इफेक्ट है, हम ये यूज करेंगे। हाँ, अब ये परफेक्ट दिख रहा है। अब हम ये यूज करेंगे इफेक्ट। अभी हमारा एक हार्ट तैयार हो गया, हम इसका कॉपी करके सेकंड हार्ट एक बनाएंगे और थोड़ा उसको साइड में थोड़ा सा क्रॉस करेंगे। साइड में दो हार्ट एक जगह लगना, दो दिल जैसे धड़क रहे हो ऐसा, इस तरह से हम दो बनाएंगे। और ये अभी एक साथ धड़क रहे, एक आगे पीछे धड़के तो अच्छा दिखेगा, तो इसलिए इसका हम थोड़ा सा इसको पीछे खिसक लेंगे। स्लाइड पीछे स्लाइड खिसने से वो अलग अलग टाइम में धड़केंगे तो वो अच्छा दिखेगा। अब हुआ परफेक्ट। इस तरह से हम ये क्लिप बनाया हार्ट का। आप ऐसे क्लिप बना के सेल भी कर सकते हो या अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। ग्रीन स्क्रीन हटा सकते हो बाद में और यूज कर सकते हो।